तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं जंगल में, और जंगल में आप आवाज सुन रहे हैं, दूर दूर से आवाजें आ रही है। कल का प्लान है काठमांडू जाने का, तो काठमांडू जाएंगे एंड वहां से आएंगे तो कन्याम जाएंगे। जो सीरियसली बोलूं तो मुझे हल्का हल्का डर लग रहा है क्योंकि पूल जो है ऐसे ऐसे हिल रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और अभी मैं हूँ धूलाबाड़ी नेपाल, और अभी मैं और मेरे भैया अभी हम दोनों जा रहे हैं बांसवाड़ी घूमने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी शांत सा माहौल रास्ता है, बट अभी जहाँ घूमने जा रहे हैं वो काफ़ी बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लोकेशन है, व्यू काफ़ी तगड़ा है, तो अभी काफ़ी मज़ा आने वाला है, मस्ती करने वाले हैं। गाइस वो देख सकते हैं पहाड़ दिख रहा होगा हल्का हल्का, और यहाँ से जो सीनरी है काफ़ी तगड़ा है। वो पहाड़ है कहाँ का? कन्याम। कन्याम चप्पल। वाओ क्या घर है गाइस, इतना मस्त जगह है। सोच रहा हूँ कि मैं भी यहीं पे घर बनाऊँ और रह जाऊँ, क्योंकि इतना मतलब फ्रेश फील हो रहा है यहाँ पे, मतलब एकदम हरियाली और घर वगैरह घूमने का एक बड़ी चीज़ है। और कन्याम जाने वाला था बट जा नहीं पाया, लेट हो गया था काफ़ी, भैया कन्याम ले जाने वाले थे। लेकिन अब क्या सीन है कि कल का प्लान है काठमांडू जाने का, तो काठमांडू जाएंगे एंड वहाँ से आएंगे तो कन्याम जाएंगे। जो पहाड़ दिख रहा था वो कन्याम साइड का, और वहाँ का व्यू जो है बहुत ही ऑसम है। सो गाइस यही है मेरे पीछे बांसवाड़ी, आप देख सकते हैं। और अभी इसमें क्या है कि टिकट लगेगा, तो अभी भैया जैसा बोलेंगे टिकट लेने के लिए तो टिकट लेके अंदर भी घूमेंगे। ऐसे बैठने वगैरह का सीन है, फूल वगैरह है और एक छोटा सा ब्रिज है, ऐसे आउट से भी इमेज आएगा, मैं दिखाता हूँ। गाइस किस्मत खराब है क्योंकि टाइमिंग हो चुका है खत्म, तो अभी ये बंद है तो वीडियोस वगैरह अंदर का ले नहीं सकते हैं। बाहर से जितना हो सकता था मैंने तो किया काफ़ी। अब आगे चलते हैं जंगल में और जंगल घूम जाते हैं। यहाँ से गाइस स्टार्ट होता है जंगल। जंगल में एंट्री है या नहीं? हाँ इसमें जा सकते हैं, चलिए ना जंगल ही घूम के आते हैं। तो गाइस काफ़ी खतरनाक, डरावना तो नहीं लग रहा है बट अच्छा लग रहा है। काफ़ी घना जंगल है आप देख सकते हो, और इस जंगल में हम लोग मंगल करने आए हैं, और जानवर भी होगा ही। अब इतना घना जंगल है आप देख सकते हैं, तो जानवर होना डेफिनेटली निश्चित है। जानवर वगैरह रहता है नहीं इसमें? इसमें रहता भी होगा है। सुबह सुबह 5 बजे हालत हो जाएगा खराब काठमांडू के लिए। अच्छा मतलब सुबह में निकलेंगे तो शाम तक पहुंचेंगे ना गाइस? अभी अभी पता चला कि जंगल में, और शाम तो हो ही चुका है तो जानवर शाम में ही निकलते हैं, और सुनने में ये भी आया कि इस जंगल में हाथी वगैरह भी है जो शाम में इधर से उधर करते रहते हैं। तो जहाँ तक हमारी पॉसिबिलिटीज बनेगी हम लोग आगे जाएंगे, देन आगे से फिर यू टर्न लेके वापस हो जाना है। तो गाइस अभी हम लोग रुके हैं जंगल में, और जंगल में आप आवाज़ सुन रहे हैं, दूर दूर से आवाज़ें आ रही है, पता नहीं किस चीज़ का रहा है। भैया ने बताया कि ये शायद पिकॉक का है, बट पिकॉक नहीं कोयल का है शायद, क्योंकि कू कू कर रहा है। और जंगल में काफ़ी घना, और एक भी आदमी तो दिख ही नहीं रहा है। तो सुबह में आते तो थोड़ा टाइम रुकते भी, बट अभी ज़्यादा टाइम रुक भी नहीं सकते हैं। अभी एक आगे चलना है, आगे में एक नहर टाइप का है, रिवर बहता हुआ, तो वो देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा रुकेंगे और फिर उसके बाद बैक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, शाम हो चुका है आप देख सकते हैं, और टाइम हो चुका है अभी अप्रॉक्सीमेटली 6 बजने वाला है। किस चीज़ का आवाज़ आ रहा है पता नहीं। तो ये क्या है, पुल? यही पुल वाला जगह है, नदी वाला यही सीन है क्या? नदी यहाँ पे रहता था। अच्छा यहाँ रहता था, अब नहीं है ना? अब है तो ये बंद हो गया। मैंने जो सोचा था कि वहाँ रिवर होगा, लेकिन वहाँ पे उसे बंद करके पुल बना दिया गया है। और रिवर घूमते घूमते मैं पहुँच चुका हूँ एक मंदिर के पास, बहुत ही पुराना मंदिर लग रहा है, और यहाँ पे शंकर जी का मंदिर है, ऊपर त्रिशूल, और यहाँ मंदिर नहीं, ये काली जी का मंदिर है, और यहाँ शंकर जी मंदिर। तो हमने घूम लिया, और जो रिवर घूमना था वो तो अब रहा नहीं, क्योंकि भैया भी 3 साल पहले आए थे। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग यहाँ से चलेंगे, कौन सा पुल है भैया?
अच्छा जाके वहाँ पे दिखाते हैं, बताना क्या है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पूल है। तो अभी अब भैया ड्राइव करेंगे, मैंने आप लेंगे हेलमेट, हेलमेट तो लगाना पड़ेगा, ले लीजिए। पूल अभी बना ही रहा है यहाँ पे, मतलब पास करता था बट पूरा ख़त्म हो गया। गाइस जंगल तो घूम लिया, जानवर एक भी दिखे नहीं, बहुत ही अच्छी बात है कि जानवर दिखे नहीं और हम लोग अब यहाँ से सेफली बाहर निकल जाएं और उसके बाद पूल निकलते हैं, पूल घूमेंगे वहाँ पे और थोड़ा बहुत मार्केट घूमेंगे और वापस से घर जाएंगे। गाइस फाइनली हम लोग आ गए जंगल से बाहर। ये कौन सा जानवर है जो ऐसे देख रहा है? और गाइस ये देख सकते हैं चाय पत्ती का बगान, मौसम भी एक नंबर है। गाइस फाइनली जहां आना था वहां आ चुके हैं। तो गाइस अंधेरे में कुछ तो दिख नहीं रहा है बट यहां पे एक पूल है, ये मुझे घूमना था, मैंने काफ़ी सारे वीडियो में देखा तो दिन रहता तो काफ़ी मज़ा आता, लेकिन भैया आखिरकार ले ही आए क्योंकि भैया को पता है कि अभी यहाँ से जब काठमांडू जाएंगे तो वापस इधर आना है या नहीं आना है पता नहीं है, तो मैंने भी सोचा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं। तो भैया फाइनली लेके आ चुके हैं, तो डर तो लगता है मुझे, क्या सीन है, मतलब डर लगता है नहीं लगता है इस पर? कुछ खास तो है नहीं, प्रोटेक्टिव है, वायरिंग किया है, डरने का बात नहीं रहा। हाँ मतलब हेवी भी है। तो भैया तो निकल चुके हैं, अब हम भी निकल चुके हैं इस पर घूमते घूमते। वाह आप बोल रहे थे लंबा नहीं है, फिर भी लंबा है, लंबा तो है। अच्छा नीचे का पूरा पानी सूख गया, थोड़ा भी नहीं है, है ना? थोड़ा थोड़ा है, हल्का हल्का है। तो गाइस एक चीज़ काफ़ी मिस कर रहा हूँ कि सुबह में आते तो फ़ोटोज़ वगैरह भी लेते, बट अफसोस फ़ोटोज़ तो ले ही नहीं पाएंगे, ब्रिज इतना अच्छा है बट फ़ोटोज़ एक भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि अंधेरा है, पूरा का पूरा अंधेरा हो चुका है, शाम के 7 बज चुके हैं, काफ़ी अंधेरा है, बट नाइट मोड में लेके देखते हैं आता है या नहीं आता है। और इसी के साथ हम लोग पहुँचने वाले हैं दूसरे एंड पे पूल के, जा रहा पानी, पानी तो है तो नहीं है, काफ़ी अंधेरा हो गया यार भैया। गाइस सीरियसली बोलूँ तो मुझे हल्का हल्का डर लग रहा है क्योंकि पूल जो है ऐसे ऐसे हिल रहा है और हिल रहा है तो डर लग ही रहा है, भैया को तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, हैबिट हो गया है एंड हमको सही नहीं लग रहा है। हम लोग पहुंच गए हैं दूसरे एंड पे, उधर इतना नहीं हिल रहा था, इधर ज़्यादा हिल रहा है, देख रहे हैं इस साइड में हिल रहा है, उधर नहीं हिल रहा था। अच्छा इधर से भद्रपुर एयरपोर्ट, हाँ यहाँ से भी निकल जाएगा, मतलब भद्रपुर यहाँ से नज़दीक हो गया ना। तो गाइस फोटोज़ तो अभी कुछ आई नहीं, हमने ऐसे ही क्लिक कर लिया है और अभी क्या है कि बैक टू होम चलते हैं क्योंकि 7 बज गया, तो अभी हम लोग पूल रिटर्न हो रहे हैं रिवर्स और फिर वहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो घर पे जाना है, पहले रास्ते में जाएंगे तो कुछ खाएंगे, भूख वगैरह लगा है तो यहाँ का फेमस मोमोज, फिर से मोमोज चाउमीन यही सब कुछ कुछ खाएँगे एंड वहाँ से फिर घर। गाइस फाइनली अब चल रहे हैं घूमने, घूम तो लिया अब खाने, साइकिल वगैरह बाइक वगैरह स्कूल से सब कुछ जाता है। तो अभी काफ़ी धुंधला वीडियो आ रहा है, क्वालिटी काफ़ी कम हो गया क्योंकि फ़ोन से शूट कर रहे हैं। तो अभी हमारा स्कूटी वहाँ लगा है और आई विश भैया आपका स्कूटी लगा हो, कुछ लेके नहीं गया हो। तो अभी कुछ खाते हैं और खा के निकलते हैं घर के लिए। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग भी ऐसे ही बाइक पर बैठते रहेंगे पूल पर से, चलिए अपने पसीनों से। हाँ आ चुके हैं हम लोग मोमो स्टॉल पे, गाइस आ चुका है हमारा चाउमीन और चाउमीन के बाद हम लोग खाएंगे मोमो। सो अब मोमो, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गाइस मोमो और चाउमीन तो खा लिया, काफ़ी टेस्टी था, खा के मज़ा आ गया। और अब क्या है कि अब जाना है घर और भैया ने बोला SMC चल रहे हैं, कसिनो है बगल में ही, तो 5-star होटल भी और कसिनो है दोनों साथ में, तो भी वो हुआ तो घूमेंगे क्योंकि फ़ोन स्टोरीज़ भी खाली करना होगा, फ़ोन स्टोरीज़ बिल्कुल नहीं है और कल मॉर्निंग में निकलना है काठमांडू। तो कल काफ़ी बेहतरीन कल से आएंगे ब्लॉग, तो आप लोग देखना ज़रूर, काफ़ी मस्त और बेहतरीन होगा। सो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, थैंक फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, बाय बाय।